नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। G20 के मंच से भारत की अध्यक्षता में एक नए युग की शुरुआत रही। पूरे विश्व ने देखा भारत का दमखम। कई नई पहल हुई, कई बड़ी उपलब्धियां रहीं भारत की अध्यक्षता के दौरान। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम में हम आपका एक बार फिर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे भारत की सॉफ्ट पावर पर। जी हाँ, भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की सांझी विरासत, यहाँ की सदियों पुरानी चली आ रही परंपराएं, जिन्होंने एक बार फिर पूरे विश्व को अपने आगे नतमस्तक कर दिया। जी हाँ, यहाँ मौजूद तमाम विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ भारत की संस्कृति के रंग में सराबोर नजर आए, उनको के सामने नतमस्तक नजर आए। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह से G20 की अध्यक्षता के दौरान यहाँ पहुँचे तमाम विदेशी मेहमान किस तरह से भारतीय कला संस्कृति में डूबे नजर आए। मंडपम में स्थापित की गई चौल काल में प्रचलित लॉस्ट बैग्स तकनीक से बनाई गई अष्ट धातु की भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा, भगवान का ये स्वरूप कहीं ना कहीं धर्म शिल्प विज्ञान के समन्वय को दर्शाता नजर आया। पूरे 7 माह का समय लगा इस नटराज की प्रतिमा को बनाने में। और क्या कुछ खास रहा भारत मंडपम में, आइए आपको दिखाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम में हुआ। मंडपम में स्थापित भव्य नटराज की प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जीवंत करती नजर आई। भारत मंडपम में स्थापित नटराज की ये प्रतिमा भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं की प्रमाण की साक्षी है। सत्ताईस फीट लंबी, 18 टन वजनी ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनी सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधाकृष्णन स्थापित और उनकी टीम ने रिकॉर्ड 7 महीनों में गढ़ा। राधाकृष्णन की 34 पीढ़ियां चोल साम्राज्य काल से मूर्तियां बनाती आ रही हैं। नटराज की प्रतिमा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मकता और शक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मंडपम के हर कोने पर, हर तल पर आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक बेहद मजबूत छाप नजर आएगी। रंग तरंग न्यूज। G20 में शिरकत करने पहुंचे तमाम वैश्विक देशों से विदेशी मेहमान भारतीय संस्कृति से बहुत हद तक प्रभावित नजर आए। आइए आपको ले चलते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए रात्रि भोज में, जहां कहीं इन विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति को बेहद दिल से अपनाया। जी हाँ, यहाँ पर भारतीय व्यंजन परोसे गए तो वहीं देश भर से आए कलाकारों ने दुर्लभ वाद्य यंत्रों द्वारा भारतीय संगीत से कुछ ऐसा समा बांधा कि लंबे समय तक वो तमाम विदेशी मेहमानों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यहाँ तक कि कई विदेशी मेहमान तो भारतीय परिधान में भी नजर आए। यकीनन ये रात्रि भोज लंबे समय तक बेहद यादगार रहने वाला है।
दो दिवसीय G20 समिट के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण वर्ल्ड लीडर्स का लगा जमावड़ा। सभी सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि पूरे गर्मजोशी से इस सम्मेलन में भाग लेते नजर आए। इस दौरान विदेशी मेहमान भारत की देसी संस्कृति और लोक कला के साथ खुलते मिलते दिखाई दिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का रात्रि भोज शुरू होने से पहले एक मंच पर उनका स्वागत किया। मंच की पृष्ठभूमि में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष और भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य को दर्शाया गया। G20 समिट के दौरान खास मौकों पर देसी पहनावे में नजर आए विदेशी मेहमान। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपनी पत्नी के साथ G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। इस गाला डिनर के दौरान उनकी पत्नी यूको किशिदा पारंपरिक गहरे हरे रंग की बनारसी साड़ी में नजर आई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वाइफ कोबिता पर भी दिखा साड़ी का जादू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ अपनी पत्नी कोबिता के साथ भारत मंडपम पहुंचे। इस दौरान कोबिता एक बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वैसे तो हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, लेकिन इस बार उनकी लाइलैक ढाकाई सिल्क साड़ी ने सभी का ध्यान खींचा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा पारंपरिक सूट सलवार में नजर आई। उन पर ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खूबसूरत लगा। इस भव्य रात्रि भोज में भारत ने दुनिया के सामने अपनी विविध संगीत विरासत प्रदर्शित की। देश भर से जुटे 78 कलाकारों ने भारत की संगीत यात्रा प्रस्तुत की। इनमें बच्चे, महिलाएं व दिव्यांग कलाकार भी शामिल थे। G20 समिट में देश भर की संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। हमारी अद्वितीय और अनूठी संगीत विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न दुर्लभ वाद्य यंत्रों का उपयोग शामिल था। मुख्य आकर्षण गंधर्व अटोधियम था। ये एक अद्वितीय संगीतमय मिश्रण है जिसमें पूरे भारत के संगीत वाद्य यंत्रों की उत्कृष्ट सिम्फनी शामिल थी, जिसमें शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के समूह के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत का प्रदर्शन किया गया। रंग तरंग, DD न्यूज। भारत मंडपम G20 का आयोजन स्थल, जहां पर एक कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल म्यूजियम को स्थापित किया गया। जी हां, इस सांस्कृतिक गलियारे में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की सांस्कृतिक विरासत का एक जश्न हमने देखा। जी हां, ये सांस्कृतिक गलियारा इन G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता हुआ नजर आया। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत ने पूरे विश्व को रूबरू कराया अपने सामर्थ्य से। G20 का आयोजन स्थल भारत मंडपम, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कल्चर कॉरिडोर। जी हाँ, ये सांस्कृतिक गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय, जिसमें इस वक्त जो G20 के सदस्य देश हैं और जो आमंत्रित देश हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। जी हाँ, ये कल्चर कॉरिडोर, ये सांस्कृतिक गलियारा कहीं ना कहीं वैश्विक विरासत का एक जश्न मनाता हुआ नजर आता है। आइए आपको कराते हैं इस सांस्कृतिक गलियारे की एक सैर। ये प्रदर्शनी भारत की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। भारत की तरफ से अष्टाध्यायी को प्रदर्शित किया गया है। ये अष्टाध्यायी की एक पांडुलिपि है जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। इंडोनेशिया की तरफ से बाटिक सरोंग टेक्सटाइल को प्रदर्शित किया गया है। बाटिक इंडोनेशिया की प्राचीन कला है और जावानी संस्कृति में बाटिक पोशाक का अपना महत्व है। ये है जापान से लाया गया खास तौर पर किमोनो।
300 वर्ष पुराना किमोनो है और 1971 में जब जापानी गवर्नमेंट द्वारा जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है और जो सांस्कृतिक उत्पाद हैं उनके रिस्टोरेशन का काम जब शुरू हुआ तब इसको एक नया जीवन मिला और उसके बाद से ये किस तरह से उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनके कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न फैंडम का एक स्वरूप बनकर, एक उसका एक प्रतीक चिन्ह बनकर खड़ा है। सांस्कृतिक गलियारे में ब्राजील के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संसद भवन को प्रदर्शित किया गया है। अर्जेंटीना की तरफ से पोंचो को प्रदर्शित किया गया है जिसे पहली बार 1100 ईस्वी के आसपास सैन जुआन प्रांत में खोजा गया था। This is a space that truly embodies the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, which was the theme of India's G20 presidency. Well, it recalls our shared journey through the corridors of time, and it also reminds us of the wealth of our shared heritage and humanity. ये है ऑस्ट्रेलिया की यीना पुनापु दजरकापी पेंटिंग। इसे ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट नारी टेजिन ने 1963 में इसे बनाया था। ये है कनाडा का सी मॉन्स्टर मास्क। कहा जाता है कि सी मॉन्स्टर ने सदियों पहले एक पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था और तब से ही इसकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं कनाडा में। चीन का ये दुर्लभ फहुआ बर्तन किंग सम्राट के आधिकारिक भट्टी की एक बहुमूल्य रचना है। भारत का महत्वपूर्ण साझेदार फ्रांस, या आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद वाइब्रेंट रंगों से सजा हुआ ये वास। वहाँ के एक छोटे से गाँव ऑक्जरे पे इसका नाम रखा गया है, ऑक्जरे फ्रांस। यूरोपीय संघ की तरफ से प्रदर्शित ये कांस्य प्रतिमा प्रख्यात वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार की गई थी। यह इटली से आया अपोलो बेल्वेडियर का स्टैच्यू। जर्मनी के जो ऑटोमोबाइल इनोवेशन है, जो उसकी क्रांति है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है इस बीटल मिनिएचर मॉडल्स के रेप्लिका के साथ। सांस्कृतिक कॉरिडोर में दक्षिण कोरिया के दस्तकारों द्वारा तैयार की गई जोगदूरी गैट और हेडपीस टोपी, मेक्सिको के पंख वाले सर्प देवता और पृथ्वी की देवी की मूर्तियां, रूसी खखास, तो वहीं सऊदी अरब की तरफ से शिलालेख को प्रदर्शित किया गया है। इस कल्चरल कॉरिडोर का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है, ये है इमर्सिव जोन, जहां G20 की अध्यक्षता के दौरान पूरे विश्व ने देखी भारत की डिजिटल क्रांति की झलक। जो G20 सदस्य देश है उनके देश की जो सांस्कृतिक संपदा है, उन देश की जो बहुत ही खास कहानियां हैं, जो विजुअल्स हैं, वो इस वक्त आप इस इमर्सिव जोन में देख सकते हैं। जी हाँ, आप खड़े हैं राजधानी दिल्ली के इस भारत मंडपम में, लेकिन ये इमर्सिव जोन आपको सीधे इस वक्त ब्राजील ले जाएगा। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं ब्राजील की, और जैसा कि हम जानते हैं कि अब भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त हम देख सकते हैं इस इमर्सिव जोन में। हमारा सनातन धर्म, हमारी सदियों पुरानी विरासत, हमारी संस्कृति इस वक्त यहाँ पर देख रही। ये वो कल्चरल कॉरिडोर है जहाँ पर तमाम जो डेलीगेट्स आए थे, जो विदेशी मेहमान पहुँचे थे, वो इसी कल्चरल कॉरिडोर से गुजरते थे और उनके सामने भारत की ये सांस्कृतिक संपदा हम यहाँ देख सकते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जी हाँ, इन्हें बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है और यही वजह है कि इन्हें बंगबंधु की उपाधि मिली और ये बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। आपको याद होगा कि इनके जन्म शताब्दी समारोह में खास तौर पर हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से आदि मानव अफ्रीकनस की खोपड़ी, तुर्की के गोबे कलाइटपे स्टेल, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा संधि के संपूर्ण मूल दस्तावेज की रंगीन फोटो प्रति, अमेरिका की ओर से टायरनी ऑफ मिरर्स, मिस्र के प्राचीन राजा तूतनखामून का स्वर्ण मुखौटा और आसन, नीदरलैंड के जिंगजैंग चेयर, मॉरिशस के रवन्ना वाद्यंत्र, सिंगापुर के न्यूटर और न्यूब्रो, स्पेन के हाथ के पंखे डिजाइनर एयर तथा संयुक्त अरब अमीरात की ओर से घोड़े की सोने की लगाम को प्रदर्शित किया गया है। G20 समिट तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस सांस्कृतिक गलियारे में आपको G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की सांस्कृतिक धरोहर, उनके लोकतंत्र से जुड़ी बेहद दुर्लभ चीजों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है G20 डिजिटल संग्रहालय में, फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में। जी हाँ, सही मायनों में वैश्विक विरासत का एक बेहद अनूठा संगम है जो इस वक्त हम इस सांस्कृतिक गलियारे में देख सकते हैं।
G20 के मंच पर पहली बार संस्कृति कार्य समूह को स्थान दिया गया। किस तरह से अपने सतत विकास के लिए हम संस्कृति को, हमारी सांझी विरासत को, हमारे सांस्कृतिक संपदा को उपयोग कर सकते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विचार विमर्श हुआ और तमाम देश इन तमाम मुद्दों को लेकर सहमत होते नजर आए। हो भी क्यों ना, संस्कृति वो चीज़ है जो सीमाओं को लांघते हुए सभी देशों को एक सूत्र में जोड़ती है, हम सबको बांधती है। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में जो लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, वो कलाकार, वो आर्टिसंस, उन तमाम लोगों को सही सम्मान मिले, सही स्थान मिले, उचित प्रतिनिधित्व मिले। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार भारतीय उत्पादों को, भारतीय हस्तकला को एक वैश्विक मंच पर ले जा रहे हैं। और इसकी एक झलक हमें यहाँ पर G20 में भी दिखी। खास तौर पर एक क्राफ्ट बाजार लगाया गया जहाँ पर हम एक मिनी इंडिया की झलक दिखी। देश भर से आए कलाकारों ने, आर्टिसंस ने अपने बेहतरीन उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शित किया और विदेशी मेहमानों ने खूब खरीदारी की और उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। रंगीन रोशनी से जगमगाता नजर आया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नवनिर्मित प्रदर्शनी केंद्र। हरे भरे लॉन रात में रंगीन रोशनी से जगमगा उठते थे और फव्वारों और अत्याधुनिक इमारत के सामने रखी नटराज की मूर्ति आयोजन स्थल पर भव्यता में चार चांद लगा देती थी। से आए एक से बढ़कर एक कलाकार अपने सबसे बेहतरीन कला को यहाँ पर पेश कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कला और शिल्प के रंग एक साथ नजर आए भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में। यहाँ देश की प्राचीन और परंपरागत कला की एक से बढ़कर एक विधा देखने को मिली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मधुबनी पेंटिंग कारीगर शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग का यहाँ प्रदर्शन किया गया। मधुबनी कला की बारीकी से विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो गए। वहीं गुजरात की 12,000 साल पुरानी समृद्ध कला को दर्शाती पिथौरा पेंटिंग को भी प्रदर्शनी में जगह मिली थी। ये पेंटिंग गांव की दीवारों पर बनाई जाती है। इस चित्रकला से जुड़े कलाकार परेश राठवा जी अपने हुनर के लिए पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। वहीं टेराकोटा से बने खूबसूरत सामान भी शिल्प बाजार की शोभा बढ़ाते नजर आए। लखनऊ के पद्मश्री प्राप्त नक्काशी कलाकार दिलशाद हुसैन के हुनर को भी इस प्रदर्शनी में स्थान मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टॉल को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिमाचल प्रदेश ही यहाँ उतर कर आ गया हो। किन्नौरी शॉल, टोपी, चंबा रुमाल, चाय और हाथ के बने सुंदर खिलौने यहाँ खूब पसंद किए गए। वहीं आदिवासी क्षेत्रों की कला को भी यहाँ अलग पहचान मिली। भारत के कला शिल्प को देखकर विदेश से आए मेहमान हैरान और उत्साहित नजर आए और जमकर खरीदारी की। India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this. Interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women. It's a wonderful experience for us. We bought some pashmina. इस आयोजन का हिस्सा बनकर सभी कलाकार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। हमें आजीविका से जुड़ के बहुत फायदा हुआ है और यहाँ आके तो और भी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हैं तो हर एक मेहमान आके कुछ ना कुछ हमारा स्टॉल से लेके गए हैं। जहाँ विदेशी मेहमान भारत के निशाने के तौर पर ये सामान खरीद कर खुश हैं, वहीं हस्तशिल्पियों को उम्मीद है कि ये शिल्प बाजार उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नई राह खोलेगा। भारतीय
भारतीय कारीगर के हाथ का जादू उन्हें आज पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिला रहा है। लेकिन इस क्राफ्ट्स मेले में आप उनके उत्पादों के साथ साथ किस तरह से ये उत्पाद बनाए जाते हैं, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बाजार में आता है, उस पूरी यात्रा को आप बहुत ही करीब से देख और समझ सकते हैं। हमारे पीछे हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से चरखे पे धागे के जरिए एक कपड़े को बुना जा रहा है। हमारी जो कला है, आज हम इतने मेहमानों के बीच में अपनी कला को दिखाने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है। भारत की आदिवासी संस्कृति, उनकी कलाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित की जा रही हैं। जी हाँ, इसके लिए शुक्रिया अदा करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश भर में कई मेलों का आयोजन किया जाता है, एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जहां देश भर से आए कारीगर हिस्सा लेते हैं। और इस समय इस क्राफ्ट्स मेले में भी कुछ यही आलम है। यहां पर हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है ये ट्राइब्स इंडिया का, जहां पर जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कलाएं हैं, आदिवासी जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहां पे देख सकते हैं। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हाथ से बनाए गए हैं, जो हमारी आदिवासी संस्कृति, दूर दराज के जो हमारे राज्य हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, उनकी छुपी हुई कला को आज इस राष्ट्रीय ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आई है। तो दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों को यहाँ पर भारतीय संस्कृति को, भारतीय कलाओं को बहुत ही करीब से रूबरू होने का, उसे देखने का मौका मिल रहा है। पिठोरा पेंटिंग जो गुजरात के छोटा उदयपुर में राठवा आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके इष्ट देवता है, देवता है ये लोग। हमारे जो समाज के लोग घरों की जो दीवार के ऊपर घोड़े के रूप में देवता पिठोरा देव को लिखते हैं, लिखने का मतलब के पेंटिंग करते हैं। तो ये 12,000 साल पुराना एक कला संस्कृति है। जी हाँ, परेश राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, पद्म पुरस्कार वो पुरस्कार जो आज साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को सलाम करते हैं। गीली मिट्टी को अपने कुशल हाथों से किस तरह से एक रूप देते हुए, एक आकार देते हुए, ये कलाकारों के हाथों का जादू है जो आज इस क्राफ्ट्स मेले को बहुत ही शानदार, भव्य और यादगार बना रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि किस तरह से जो हमारे जो कारीगर हैं, हमारे आर्टिसंस हैं, ना सिर्फ उन्हें बाज़ार मिले बल्कि उन्हें वो प्रदर्शन मिले और अपनी कलाओं को संरक्षित करने के साथ साथ वो अपनी आजीविका भी चला सके। और इसी क्राफ्ट्स मेले में एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन भारत की संस्कृति का, भारत की समृद्ध विरासत का और भारत के उन उत्पादों का जो आज वैश्विक मानचित्र पर बेहद प्रमुखता से उठ रहे हैं। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में सुनना अलग बात है, लेकिन भारत की विविधता और उसके सांस्कृतिक हुनर का खुद से रूबरू होना, उसे खुद महसूस करना, ये अलग बात है। और इसी कड़ी में विदेशी मेहमानों के लिए G20 के अध्यक्षता के तहत कई साइड इवेंट्स का भी आयोजन किया गया। आइए इसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं एग्जीबिशन ऑफ डेमोक्रेसी में। संस्कृति मंत्रालय ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये प्रदर्शनी भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती नजर आई। इसके केंद्र में सिंधु सरस्वती संस्कृति की एक लड़की की मूर्ति थी जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह स्वतंत्र, मुक्त, आश्वस्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और दुनिया को आंखों से आंखें मिलाकर देख रही थी। स्वागत कक्ष के पीछे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के दृश्य प्रदर्शित करती एक विशाल वीडियो स्क्रीन भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि हम वो सारे तथ्य और वो सारी बातें आपके सामने रखें कि लोकतंत्र से हमारा आशय क्या है, शासन व्यवस्था से हमारा आशय क्या है, शासक से हमारा आशय व्यवस्था क्या है और हम इस लोकतंत्र को कैसे देखते हैं। तो हम 7,500 साल का इतिहास हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं।
इस प्रदर्शनी के जरिए भारत की लोकतांत्रिक इतिहास को विभिन्न भाषाओं में 26 इंटरैक्टिव पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पैनल में स्थानीय स्वशासन, आधुनिक भारत में चुनाव, कृष्णदेव राय, जैन धर्म सहित अन्य चीजें शामिल थीं। प्रदर्शनी को G20 एप्लीकेशन पर डिजिटल रूप से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ये प्रदर्शनी भारत लोकतंत्र की जननी, भारतीय लोकतांत्रिक लोकाचार के सार को दर्शाती नजर आई। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, रंग तरंग डीडी न्यूज। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने अपनी सदियों पुरानी इस विरासत को G20 के मंच पर पूरे विश्व के साथ साझा किया और साथ ही प्रधानमंत्री का विजन और उनकी पहल की विकास भी, विरासत भी। जी हाँ, अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं को संरक्षित कर हम यहाँ पर बढ़ चले हैं विकास के पथ पर और पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत बहुत ही तेज कदमों के साथ वैश्विक गुरु बनने की राह पर बहुत तेजी से बढ़ चला है। ये सफर तो जारी रहेगा, जी हाँ, क्योंकि भारत है विविधताओं का देश। एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये रंग में अब हम सभी रंगे नजर आ रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।